जय गुरु जी। संगत जी, बहुत बहुत शुक्राना प्रभु, बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक। आज इस लाइव सत्संग करने का जो गुरु जी ने हुक्म दिया है, उसका बहुत बहुत शुक्राना। और सब संगत का मैं शुक्राना करना चाहूँगा, एंड ब्लेसिंग्स टू ऑल। हरि ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। हरि ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी की अपार कृपा, जिसका बखान हम जितना करें उतना कम है। गुरु जी अपने संगतों को, अपने शिष्यों को इतने प्रेम से, प्यार से रखते हैं कि हमें कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती है। आज का जो सत्संग है, उसमें हमारा जो मकसद होगा, अरदास की महत्वता को समझना है। अरदास क्या कर सकती है, अरदास क्या क्या वैल्यू है, अरदास क्या क्या चमत्कार दिखा सकती है, आज उसके बारे में कुछ अपने में सत्संग शेयर करना चाहूँगा। गुरुजी ने हमें, गुरुजी अपने तरीके से ही हमको अपने आप से जोड़ लेते हैं। वो उनके उनका जो तरीका है वो हमें नहीं पता है, बट एट द एंड गुरुजी हमारे लिए जो करते हैं वो अच्छा ही करते हैं। जो उनका सोचना है, जो उनके लिए वो हमारे लिए करते हैं, वो अत्यंत शुक्राना है। गुरुजी का कृपा है, गुरुजी की। कुछ सालों पहले मेरी पोस्टिंग पटियाला में थी और हम मथुरा वृंदावन से वापस आ रहे थे। मैं थे, मेरी वाइफ थी और मेरा 4 महीने का बेटा। और जैसे हम शाम को वहाँ पे दिल्ली बस स्टैंड पहुँचते हैं, तो जो वॉल्वो है पटियाले वाली वो निकल जाती है, बट अमृतसर वाली वॉल्वो वहाँ पे खड़ी होती है, जो हमको राजपुरा उतारेगी, वहाँ से हमको पटियाले तक जाना है। हम वो वॉल्वो में बैठ जाते हैं और वो जो बस ड्राइवर है वो बोलता है कि आपको बाईपास पे उतार देंगे, वहाँ पे कॉर्नर पे आपको ऑटोज या कुछ मिल जाएगा, तो आप आराम से पहुँच जाओगे, आधे घंटे का रास्ता है वहाँ से। तो अब और कोई रास्ता नहीं था, और कोई चारा नहीं था, तो हम वो वाली बस में बैठ गए। रात के कुछ 1-1.30 बजे हम वहाँ पे उतरते हैं और वहाँ पे भी उन्होंने जो हाईवे है, 8-lane हाईवे है, उसको क्रॉस करने सामने वाली साइड पे मोटल जहाँ पे बसें रुकती हैं रात को खाने पीने के लिए, वहाँ पे हमको उन्होंने उतार दिया। हमने कहा, आपने कहा था उस साइड पे कॉर्नर, कहते नहीं उधर तो बस जाएगी नहीं। अब हमारे पास 2 ब्रीफकेस हैं बड़े वाले, हैंडबैग है और 4 महीने का बेबी है और हम दोनों हैं, और रात को हाईवे क्रॉस करना, बसेज आ रही हैं या गाड़ियाँ आ रही हैं, बड़ा रिस्की है। बट गुरुजी की कृपा से उनका नाम लेते हुए हमने, बैग बहुत हैवी थे, मैंने बैग पकड़े, वाइफ ने बेटा अपना पकड़ा और हमने धीरे धीरे सड़क क्रॉस की। देन सेंटर डिवाइडर फुटपाथ पे आए, वहाँ से क्रॉस किया, देन दूसरी साइड पे। बट इतना सर्दियों का टाइम था, इतनी धुंध थी उस टाइम पे, 2014 की बात कर रहा हूँ, कि हमको कुछ नज़र नहीं आ रहा था दूर दूर से, उसकी जो विजिबिलिटी थी वो ज़्यादा दूर तक नहीं थी। चलें, गुरु कृपा से हमने वो सड़क क्रॉस कर ली। अब जो कॉर्नर था जहाँ से हमने ऑटो पकड़ने थे, वो कॉर्नर सामने नहीं, वो और थोड़ा सा आगे था। हम पैदल चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, 5-10-15 मिनट हो गए, अभी तक हमारा वो कॉर्नर नहीं आया है। डर पूरा लग रहा है क्योंकि धुंध है, नज़र कुछ नहीं आ रहा है, छोटा बेटा है, अकेले हैं हम, रात को 2 बजे बाईपास पे, कुछ भी हो सकता है। और उस टाइम पे अरदास ही सिर्फ निकल के आई थी कि हे प्रभु, हमारा ध्यान रखना। और इतना कहना, इतना अरदास करना ही था कि साथ में ही पीछे से, आप मानेंगे नहीं, कोई ऑटो अगर आ रहा हो तो उसकी आवाज़ आपको आ जाती है, कोई ऑटो आ रहा होगा तो उसकी आवाज़ आ जाती है। बट मैं, मेरी वाइफ और बेटा था, हमको ऑटो की आवाज़ नहीं आई। जस्ट एकदम से ऑटो हमारे सामने आके खड़ा हो गया, पीछे से आ रहा था, प्रकट हो गया एक तरह से।
हमको नहीं समझ में आया वो कहाँ से, क्योंकि आवाज़ नहीं आई ऑटो की, जैसे हमने देखा फिर उसकी आवाज़ सुनाई दी, और हम लगातार आगे पीछे देखते जा रहे हैं कि कुछ सवारी मिले या कोई गलत हमारे साथ ना हो जाए, तो वो ध्यान रखने हैं। बट अचानक वो कहाँ से ऑटो प्रकट हुआ हमको नहीं समझ में आया। सरदार जी थे, उनसे हमने रिक्वेस्ट की कि ऐसे ऐसे यहाँ के राजपुरा बस स्टैंड पे ले जाइए जिससे हमको आगे कोई बस या टैक्सी मिल सके जिसके हम पटियाले पहुँच सकें। उन्होंने कहा तुम बेफिक्र रहो, टेंशन ना लो। उन्होंने आराम से बैग्स वगैरह रखे, हम बस स्टैंड गए, वहाँ पे भी कुछ नहीं मिला। फिर हमने उन्हीं को रिक्वेस्ट की कि आप हमको ही छोड़ाओ। अब ऑटो में रात को ठंड के तरह धुंध है, विजिबिलिटी नहीं है, ऑटो फिर भी रिस्की है, और वो हाईवे भी सिंगल लेन है। राजपुरा से पटियाला जो हाईवे था वो सिंगल लेन था, बट हम चलते जा रहे हैं। ऑटो ने बड़े आराम से प्रेम से हमको पटियाला, जहाँ मैं पोस्टेड था मेरा घर के ऊपर, वहाँ पे हमको पहुँचा दिया बड़े आराम से। प्रभु से, गुरु जी से आप अरदास करते हैं तो ऐसा कभी नहीं हुआ है कि वो आपकी ना सुने। हाँ, आपकी ज़रूरत कितनी बड़ी है उसकी समय से ही, जितनी ज़रूरत बड़ी है आपकी उसी समय आपका वो काम हो जाएगा। अगर वो आपके लिए गुरु जी के हिसाब से वो अभी ज़रूरत नहीं है इसलिए वो आपको डिले होगा, बट आपको मिलेगा ज़रूर अगर वो आपके लिए बेहतर है। अरदास की शक्ति ऐसी है कि हम कुछ भी उनसे मांग लेते हैं वो हंसी हंसी अपने बच्चों को दे देते हैं। कुछ दिनों पहले मेरे फ्रेंड का जो हेल्थ ठीक नहीं था, उसको प्रॉब्लम आ गई तो उसको हॉस्पिटलाइज होना पड़ा, और लोअर इंटेस्टाइन की जो सर्जरी थी उसकी डॉक्टर ने रिकमेंडेशन करी, बट दैट इज़ वेरी रिस्की। तो वहाँ पे अरदास मैंने सुबह करी जब मेरे को पता चला कि ये ऑपरेशन ना हो, और जाप सेवा अर्पित की मैंने उसी मोटिव को लेते हुए कि उसका ऑपरेशन ना हो। दोपहर को सिर्फ 3 बजे हमको वहाँ से फ़ोन आ जाता था कि डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए मना कर दिया है। सुबह से लेकर एक आधे दिन में इतनी बड़ी बात जो डॉक्टर्स कह रहे हैं, और एकदम से ही वो नल एंड वॉइड हो जाए कि नहीं, ऑपरेशन की अब ज़रूरत नहीं है, और उसकी हालत बेहतर होती जा रही। ये सिर्फ अरदास की शक्ति है और कोई चमत्कार नहीं है, वो चमत्कार अरदास का है। गुरुजी अपने साथ जोड़ते हैं वो चमत्कार हो जाता है साथ में, ऐसा हमारे सोच समझ से दूर हो जाती हैं बातें, हमारे को समझ में नहीं आता है। एक बार 2017 की बात है, मैं अपने काम के लिए जम्मू गया हूँ, और वहाँ पे मारुति का नेशनल कॉन्टेस्ट हो रहा है और वो पैन इंडिया हो रहा है, और एक सत्संग वहाँ पे गुड़गांव में था, और मेरे सिस्टर भी दिल्ली रहते हैं तो उन्होंने कहा कि आओ चलते हैं, पर मैंने कहा वो मेरा नेशनल कॉन्टेस्ट है, मैं तो आ ही नहीं सकता। और मेरे सिस्टर ने अरदास की कि वो जाना चाहते हैं, उन्होंने अपने हस्बैंड से बात की, उनका भी काम था, बेटे से बात की, उसकी क्लास थी, तो वो अकेले नहीं जाना चाहते थे बिकॉज नई जगह थी, और जाना भी फिर कैसे था, तो इसलिए वो अरदास उन्होंने लगाई कि गुरुजी हमको कोई साधन ऐसा करो कि कोई ना कोई अवेलेबल हो जाए। संगत जी आप मान नहीं सकते, मारुति का नेशनल कॉन्टेस्ट की डेट चेंज करना, या मैं ट्रेनर हूँ मैं ना बोल नहीं सकता बिकॉज बहुत बड़ा क्लाइंट है, हम यहाँ छोड़ दें तो आगे से भी हमको काम में दिक्कत होती है, तो उसकी वजह से मैं ना कर दूँ या कुछ ऐसा हो तो मैं तो कर नहीं सकता था। बट वो ज़िंदगी में, करियर में, 10 साल के मेरे एक्सपीरियंस में पहली बार वो कॉन्टेस्ट प्रीपोन हो गया। 9 तारीख को वो सत्संग था वहाँ पे, और आवाज़ पहले ही आ गई थी कि 727 बंदे वहाँ पे होंगे, कौन से होंगे ये गुरुजी ने ही लिखा था। तो वो किस तरीके से बना प्रोग्राम कि वो जो कॉन्टेस्ट था, जो पहली बार मारुति की हिस्ट्री में प्रीपोन हो गया, एक दिन पहले ही हो गया, और रात को मैं वहाँ से निकल के मैं अर्ली मॉर्निंग दिल्ली पहुँच गया, और दोपहर का सत्संग था गुड़गांव में, और मेरे सिस्टर को मैंने नहीं बताया कि मैं आ रहा हूँ, मैंने उनके लिए सरप्राइज़ रखा था। और सुबह मैं 5:30-6 बजे मैं रोहिणी पहुँच गया दिल्ली, जहाँ पे मेरे सिस्टर रहते हैं, और गेट खोला तो इतना शाउट कि वो अरदास की जो
शक्ति होती है ना, वो उस तरीके से समझ में आ रही थी उनको कि वो अरदास उन्होंने की थी कि मेरा ऐसे जाने का प्रॉब्लम हो जाए। और मेरे लिए पता नहीं है, वो 727 बंदे उन्होंने जो काउंट बोला था कि उतने ही बंदे आएंगे, पर किसका ड्यूटी है, किसने गुरुजी ने किसको वो ब्लेसिंग्स बख्शनी है वो नहीं पता हमको। और मैं सुबह वहाँ पे 5:30-6 बजे पहुँच जाता हूँ और सिस्टर मेरे शाउट करते करते मतलब इतना हर्षोल्लास के साथ कि हमको समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या हो गया। बाद में उन्होंने किया कि मैं यस मैं अरदास करी थी। मैं क्या मैंने भी की थी, बट ऐसा पॉसिबल होना ज़रूरी नहीं था, पॉसिबल ही नहीं था। पर ये किस तरीके से हो गया वो आज तक मुझे समझ में नहीं आया। उसके बाद भी आज तक नहीं हुआ कभी कैंसल। तो गुरु जी की अरदास की वजह से वो 727 बंदों में से एक बंदा मैं भी था। और वहाँ पे गए, सत्संग अटेंड किया, गुरु जी की बड़ी अपार ब्लेसिंग्स हमको मिली। इतनी कृपा, इतने सुंदर दर्शन थे उनके। उन्होंने अपने घर पे बड़े अपार दर्शन किए थे। सो अरदास की जो वैल्यू है वो जिस जैसे आपकी अरदास पूरी होती जाएंगी वो आपको भी समझ में आता जाएगा। और अगर आपकी अरदास अभी नहीं सुनी जा रही है तो वो वक्त आपके लिए भी सही नहीं है। पर अरदास करनी बहुत ज़रूरी है। अरदास इस लॉकडाउन में हमको काम के सबको फर्क पड़ा। मेरा भी ट्रैवलिंग का काम था, ट्रैवलिंग बंद हो गई तो काम भी नहीं था। बट पहले 4-5 महीने बड़ा इंजॉय किया फैमिली के साथ, क्योंकि टूरिंग में रहता था, 20 दिन बाहर रहता था, तो एकदम से घर पे फुल टाइम बच्चों के साथ फैमिली के साथ, तो बड़ा अच्छा फील हुआ। बट 5-6 महीने बाद जूँ काम नहीं हुआ तो सोच पड़ रही थी अब किस तरीके से आगे काम चलेगा। तो गुरु महाराज ने हमारे माइंड में उन्होंने हमको ब्लेसिंग्स की और हमारा हमने अपना वाइफ का जो मेरा सपना था साइब आर्ट्स के नाम से, उसने आर्ट एंड क्राफ्ट का अपना बिजनेस शुरू कर दिया। और गुरु जी की इतनी कृपा कि उन्होंने शुरुआत भी अपने ही चरणों से आशीर्वाद देते हुए की। यह आप देख सकते हैं ओम और ओंकार, ये हमने हैंडमेड बनाए हैं। और पहला ही जो हमें ऑर्डर दिल्ली से मिला वो इसी ओम ओंकार का ही था। और गुरु जी की इतना ही कृपा रही कि उसके बाद उन्होंने इतने हमको ब्लेसिंग्स की। ये आप कप दे सकते हैं, जल सेवा की गर्वी दे सकते हैं, ये सब हमने हैंडमेड बनाई। गुरु जी की यूनिकनेस, उनके पास जो भी चीज़ें लगती हैं, गुरु भोग थाली, हर चीज़ हमने उसको क्रिएट करके दी कि एक एक्स्ट्रा लेवल। नॉर्मल यूटेंसिल हम सब यूज़ करते हैं, पर गुरु जी की इतनी कृपा कि हमने उनको भी यूनिक करके उनको अर्पित किया। और लॉकडाउन में जहाँ काम नहीं था हमको, वो अपने आर्ट एंड क्राफ्ट की वजह से वो काम भी चला, हमने थोड़ा बहुत घर भी चलाया। और मेरा भी जो ट्रेनिंग का काम था उसके अंदर भी हमको सितंबर 2020 से काम आना शुरू हो गया। अरदास, सारी दुनिया के काम बंद पड़े थे, हमको वो बड़े प्रेम से उन्होंने घर पे बिठाए, रिस्क के बिना हम घर से ही काम कर रहे हैं। और इतनी ज़बरदस्त हमारे लिए वो उन्होंने प्लेटफॉर्म क्रिएट कर दिया, जो पुराना शौक था वो भी हो गया और सेफ तरीके से हम अपनी इनकम भी क्रिएट कर रहे थे। ये सिर्फ चमत्कार जो है अरदास की वजह से हो सकता है। बहुत बहुत शुक्राना मेरे प्रभु, बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक, अनंत अनंत कोटि धन्यवाद तुहाडा, बड़ी बड़ी कृपा। फिर हमने बहुत कोशिश की, अरदास के अंदर यही रहता है, अपने लिए हर इंसान बेहतर होने की बात करता है, अपने लिए और बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ की बात करता है, जो मटेरियलिस्टिक थिंग है इस दुनिया में। और गुरुजी सब हमको देते हैं, बट पहले आपको एक वो डेडिकेशन दिखानी पड़ती है। जाप सेवा अपनी नित नेम, जरा आप कहने हो जाप सेवा नित नेम अपना रखो ताकि गुरु जी ने तुसी खुश रखो। ओ जो तुसी अपनी डेडिकेशन दिखाते हो तो तुहानू बगैर कहे गुरु जी दे देंदे है, निहाल कर देंदे ने। आप नहीं मांगेंगे तब भी गुरु जी आपको दे देंगे।
मैं और मेरी वाइफ कुछ दिन पहले यूं ही बात कर रहे थे कि हम अपने साहिबा आर्ट्स को प्रमोट करें, और प्रमोशन के लिए हमने दो चार यूट्यूब चैनल से बात करी, एक आधे आए भी, कईयों ने वैसे भी फंडिंग करी या कुछ ऐसा, हर किसी को चाहिए होता है। तो अभी हमने सोचना अभी रोक दिया कि अभी हम फंडिंग वाला काम नहीं करेंगे, अभी मार्केटिंग नहीं, वैसे हम करेंगे सपोर्ट। बट और क्या हुआ, अचानक वाइफ देख रही थी जी वाल जी न्यू जी टीवी का चैनल आता है, जी पंजाबी, वहाँ पे कोई कॉन्टेस्ट वगैरह चल रहा था, उन्होंने फॉर्म फिलअप किया और आप देखिए गुरु महाराज ने सीधा ही हमारा टीवी शो इंटरव्यू का ऑर्गेनाइज कर दिया। और 2 दिन पहले जी पंजाबी की पूरी टीम हमारे घर पे आई और 5-6 घंटे शूट लगा के प्रॉपर हमारी फैमिली के साथ डिस्कस करते हुए, शो का नाम भी उसमें था सुपरस्टार नू जी पंजाबी के अंदर, और उसके अंदर हमने अपनी पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ वो भी प्रमोट भी हुई, उसके बारे में बात भी की, और वो टीवी पे अब और 10 दिनों में वो टीवी में शो भी आएगा अभी। तो आप अरदास जब करते हैं तो ऐसी ऐसी चमत्कार, एक आम नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली टीवी पे आ जाए ये बहुत बड़ी बात है, एक छोटी सी क्लिप आ जाए बैकग्राउंड पे आ जाए तब भी वो बहुत खुश हो जाते हैं, बट एक पूरा शो पूरा कास्ट क्रू सेलिब्रिटी भी हमारे घर पे आए जो एंकर थी, 10-15 बंदे पूरे आए कैमरास लेके, वहाँ पे पूरा फिल्मों वाला माहौल हमारे घर में ही बना हुआ था, प्रॉपर लाइटिंग्स, वो इतना ज़बरदस्त माहौल, वो यहाँ पे एज ए फिल्म शूट जैसे होता है वैसे हमारे घर पे 2 दिन पहले था। ये सिर्फ चमत्कार एक ही वजह से है, अरदास, और कुछ नहीं। मैं जिस दोस्त की बात कर रहा जिसका ऑपरेशन रुक गया, अब मैं चाहता था कि उनके घर पे भी गुरुजी स्थापित हों, मैंने अरदास की थी सिर्फ, और 10-15 दिन बाद उनकी वाइफ का फोन आता है कि हमको गुरुजी के दर्शन चाहिए। मेरे रोंगटे खड़े हो गए प्रभु, हम ये सोच भी नहीं पाते कि हमने सिर्फ खुद से बात की है, मैंने अपनी वाइफ से बात नहीं की, किसी से बात नहीं की, मेरे मन में था, मैंने शब्द मुंह अपने जबान पे मुख पे नहीं लेके आया हूँ, सिर्फ मेरे ध्यान में था और अरदास की थी कि प्रभु आपके चरण भी उनके पास पड़े तो उसकी भी तबीयत हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। और 10-15 दिन बाद उनका फोन आता है कि हमको भी ऐसे गुरुजी के दर्शन चाहिए। उसी शाम को लॉकडाउन वैसे बंद हो जाता है 5 बजे उस टाइम पे, और फिर भी हम अपने काम से फ्री होके गए, उस दिन उनको दर्शन दे के आए, अपार कृपा, शुक्राना मेरे गुरु, शुक्राना मेरे मालिक। ये सब चमत्कार जो हैं वो सिर्फ अरदास से हो सकते हैं, और कोई यहाँ पे दूसरा चमत्कार नहीं है। अरदास इस तरीके से कि वो आपकी जो भी अच्छी बातें हैं वो चुटकियों में गुरुजी सुन लेते हैं। जय जय शुक्राना मेरे गुरुजी, बहुत बहुत कृपा मेरे मालिक। अरदास के जितने बखान करूं उतने कम हैं। अरदास जितना मैं उसके बारे में बात करूं उतना ही कम है। अरदास हमको शक्ति देती है, वो विश्वास हमारे अंदर पैदा करती है कि जो हमारी मुश्किलें हैं वो ज़रूर गुरुजी उनको दूर कर देंगे हमें कष्ट दिए बिना। मेरी सबसे अरदास सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप गुरुजी से नम्रता मांगिए, डाउन टू अर्थ होने से आपको सब चीज़ें मिलती हैं, एक पॉजिटिव एटीट्यूड आपके साथ होना चाहिए लाइफ में, ताकि आप किसी भी मुश्किल को, किसी भी तरह का जो प्रॉब्लम्स आती हैं आप उनको फेस करने में अपना पेशेंस लेवल ना गंवाएं, और उसके अंदर आप अपने आप को और बेहतर निखार के ला सकते हैं। मेरी अरदास गुरुजी से सबके लिए यही है कि सब निम्रता पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करें, खुशियाँ सबको मिलें, सब यहाँ पे इस संसार में स्वस्थ रहें, बढ़िया से रहें, आराम से रहें, और सबको सुख मिले, खुशियाँ मिलें, ताकि वो अपने जीवन में अपने परिवार के साथ हंसते खेलते अपना जीवन व्यतीत करें।
और मेरी को पूरा विश्वास है कि मेरी अरदास गुरुजी ज़रूर संपूर्ण करेंगे, ताकि इन सब संसार में जिसको हम बोलते हैं सरबत दा भला। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना मेरे प्रभु, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना मेरी संगत का, शुक्राना मेरे चाहने वालों का। जय गुरुजी।